बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संधि, संधि, संधि के प्रकार और उदाहरण। देखेंगे पहले हम संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, दो शब्दों के मेलों का। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती हैं, उन्हें संधि कहते हैं। क्या होता है? जब दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं, एक रूप धारण करती हैं या बदल जाते हैं, उसे हम रूप धारण कर लेती हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में है सूर्योदय, उदय, धन, सूर्य, सूर्योदय। क्या बना शब्द नया? दो शब्दों का मेल हुआ, उदय और सूर्य। रेखांकित, रेखा, धन, अंकित। इसमें क्या आ गया? आ गया ना, अंकित, रेखांकित। पावन, पवन हो गया। यहाँ पे आ की मात्रा अड़ गई है। दो रूप जब बदल जाते हैं एक दूसरे में और निकट आ जाते हैं, तब हम फिर उसको एक नया रूप धारण कर लेते हैं और शब्द बदल जाते हैं, जैसे सूर्य। अब हम आगे देखेंगे और उदाहरण। संधि के भेद, संधि के भेद, संधि में भी कितने प्रकार की होती है, इनके भेद हैं तीन। जैसे है स्वर संधि, इसमें स्वर संधि में क्या बताया है कि जब शब्दों का मेल अलग अलग होकर आ मात्रा का, इधर तो क्या हुआ है, आ का प्रयोग हुआ, आ के प्रयोग से यहाँ पे स्वर बदल गया, तो क्या हो गया, शिव आलय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिवालय, शिवालय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिवालय, शिव धन आलय। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि ये बदल जाते हैं, व्यंजन संधि कैसे होती है? धर्म, धन, अर्थ। जैसे धर्म, तो यहाँ पे क्या लग गया? आ, धर्मार्थ हो गया। क्या हो गया ये शब्द? धर्मार्थ, धन, धर्मार्थ। फिर विसर्ग संधि। अभी हमने ये उदाहरण पढ़े इनके, इसके बाद हम जानेंगे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है। जैसे अब दिया है कि विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में क्या पढ़ा हमने? धर्मार्थ। विसर्ग संधि में दिक, धन, अंबर, दिगंबर। यहाँ पे क्या लगा है? विसर्ग दी का, देख ये विसर्ग लगा है। क्या है ये? विसर्ग, उपसर्ग हमने पढ़े थे ना, जैसे वैसे ही ये विसर्ग है। क्या हो गया यहाँ पे? दिगंबर। फिर आया स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि में पांच भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। जैसे कोई शब्द रहता है उसमें दो तीन की मात्रा आगे बढ़ जाती है, तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ है, अगर उसमें औ की मात्रा दो लग गई तो वो वृद्धि होगी, वृद्धि संधि कहलाएगा। फिर यह संधि, अयादि संधि। यहाँ तीन रूपों में भिन्न स्वरूप से स्वरों का व्यंजन का तीनों का ही रूप बदल जाता है, अयादि संधि कहते हैं। अब है कि इनके उदाहरण के बारे में। दीर्घ संधि, जब आ ई उ, जैसा कि मैंने अभी बताया, आ ई उ ह्रस्व शब्द होते हैं, जो जैसे सूर्यास्त, सूर्य धनास्त। क्या लगा यहाँ पे? सूर्य में आ, अस्त। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। वह यहाँ पे बदला शब्द, ये दो शब्द में बदल गए, आ की मात्रा आ गई, आ ई उ की जगह आ की मात्रा, विद्यार्थी। फिर अब दूसरा
थे कि सुर धन इंद्र, सुरेंद्र बदल गया यहाँ पे, सुर इंद्र, इंद्र लग गया यहाँ पे, क्या लग गया ये इंद्र, आधा शब्द जुड़ा। फिर लंका, इसमें क्या हुई बड़ी ही की मात्रा, यहाँ पे क्या जुड़ा छोटी और यहाँ पे जुड़ गई बड़ी ही की मात्रा, तो ये क्या हो गया लंकेश। फिर है अब वृद्धि, वृद्धि संधि, इसमें क्या होता है ए ओ ना होकर शब्द औ की मात्रा में बदल जाती है, यहाँ पे क्या हुआ दो मात्राएं लगती, तो औ हो गया दोनों मिलकर, जैसे कि धन धनेश्वर, धनेश्वर ये लगती दो मात्रा, धनेश्वर शब्द हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसी तरह और भी संधियों के प्रकार। यण संधि, यण संधि में क्या है ई उ, बड़ा उ शब्द के बाद भिन्न स्वर आ जाते हैं, जैसे कि रा का ऋषि का हो जाता है और अति आवश्यक जैसे लिखा है, अति यानी इसका शब्दों का भिन्न स्वर बदल जाता है, जैसे अति लिखा है अति आवश्यक है ना, इति लिखा है तो इति का क्या आदि में इत्यादि, इत ये लग गया। फिर अब है अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है ए आई ओ औ डबल औ की मात्रा, ये इनके बाहर ना लगने वाले कोई भिन्न स्वर आ जाता है, जैसे कि शे आ गया अन, तो यहाँ पे क्या हो गया सय, अप गए धन आया अप, तो ये गाय। क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर शब्दों का भिन्न स्वर बदल जाता है, भिन्न स्वर रूप बन जाता है, जैसे शयन गय अक यानी गायक, शावक शाधन आवक, शावक शेर का बच्चा। अब हम इन संधियों के बारे में जो जो हमने अभी तक पढ़ा, इन सब के प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ना है और सारे शब्दों का अर्थ भी आपको लिखना है इसमें, और संधि कितने प्रकार की होती, संधि की परिभाषा लिखना।